टैक्सी बनाई चला जाएगा, हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाए। अरे बने नहीं देंगे, कैसे बन जाएंगे? नहीं बनने देंगे। जब हम लोग अधिकार छीन लिया जाएगा, उपाध्यक्ष की सरकार है, अगर मेरा बात नहीं सुनेगा, शिक्षा से दूर रखेगा, हॉस्पिटल से दूर रखेगा, तो हम लोग नहीं चलने देंगे। पढ़ दीजिएगा तो आवाज ना उठाइएगा सरकार के खिलाफ। उठाएंगे बाबा साहब तो ये कहेंगे, तेजस्वी यादव हो या मतलब नीतीश कुमार हो, कोई भी हो, अगर बहुजन के हित में काम करेगी तो ठीक है, नहीं तो अन्यथा 2025 में तेजस्वी या नीतीश दोनों के पता साफ रहेगा। छात्रवृत्ति तो ले ली आप लोग, आप पढ़िए कैसे आप लोग। देखिए छात्रवृत्ति जो हम लोग का मतलब ले लिया गया, उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं, सम्मेलन किए हुए हैं। अब उनको ये दिखाना। साथियों स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में। अभी मौजूद है पटना के मिलर हाई स्कूल में और यहाँ पर आजाद समाज पार्टी काशीराम के तरफ से यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है, जिसका अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण जी कुछ ही पलों में आने वाले हैं। उनके तमाम समर्थक आप यहाँ पर देख सकते हैं मौजूद है। चंद्रशेखर रावण जी का यहाँ पर फोटो भी लेकर के यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर देख सकते हैं कितना मोहब्बत करते हैं ये लोग चंद्रशेखर रावण जी से, इन लोग से जानते हैं। किस चीज का यहाँ पे रैली है? चंद्रशेखर भी आ रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ पे एकता मिशन के रैली चल रहा है, बहुजन समाज एकता मिशन का, उसी रैली में हम लोग आए हुए हैं। बिहार में तो आप लोग का छात्रवृत्ति खत्म कर दिया गया, तो उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे अब सरकार से, चंद्रशेखर भैया के साथ मिलके। सरकार तो कहती है कि हम दलितों के सरकार में सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, लेकिन दलितों की सरकार और पिछड़ों की सरकार में 40% आप लोग का छात्रवृत्ति खत्म कर दिया जाता है। हम लोग सरकार के साथ विरोध करेंगे, सब आदमी मिलकर विरोध करेंगे सरकार को। आपको ये बात पता था? हाँ पता है। आप लोग क्या कर रहे थे? इसी के लिए तो यहाँ पे आए हैं, किसी यहाँ से सरकार के पता चले, सरकार के बंगला बगल में है। तो हाई कोर्ट बगल में, हाई कोर्ट एफिडेविट दे देती है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। पैसा नहीं है तो हम लोग सरकार के पास पैसा नहीं आप लोग को देने के लिए, और चीज में पैसा खर्च करने के लिए हमारे एसटी ओबीसी का छात्र के छात्रवृत्ति क्यों नहीं है? अब आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सरकार बोल रही है। अरे भैया क्यों ना पढ़े, क्यों ना पढ़ेंगे हम गरीब का बच्चा तो नहीं पढ़ सकते, क्या हमारे छात्रवृत्ति को चालू करवा? लेकिन वही तो कह रहा, सरकार की छात्रवृत्ति नहीं चालू होगा, पढ़ना नहीं है तुम लोग, पढ़ोगे लिखोगे पढ़िए। पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे। बाबा साहब ने दिया था अधिकार दिए हैं, संविधान के द्वारा लिख के दिया अधिकार दिए हैं कि एक समान शिक्षा मिलना चाहिए सभी को। आज बिहार में बहुजनों का सरकार है, बहुजनों का सरकार में बहुजनों का छात्रवृत्ति बंद, बहुजन सरकार है, लेकिन सरकार जो है समझने के तैयार नहीं है। लेकिन हम लोग ये रैली से भीम आर्मी के द्वारा सरकार को जनाना चाहते हैं कि हम लोग का अधिकार जो दीजिए, जो आप स्कॉलरशिप बंद किए हैं, जानते कितना गरीबी लोगों का अधिकार जो है खत्म हो जाएगा, शिक्षा दूरी कर रही है कि ज्यादा मत पढ़ो, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, छात्रवृत्ति बंद क्यों नहीं पढ़ेंगे? बाबा साहब ने कहा कि पढ़ के आगे निकलना है, हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। क्या पैसा नहीं है खर्चा करने के लिए दलितों पर? मंदिर बनाने के लिए कहाँ से आ जाता है? स्कूल बनाने के लिए कहाँ नहीं आता है? अरे खाली जहाज खरीदने के लिए पैसा है? अरे भैया पहले शिक्षा पे तो खर्च कीजिए ना, पहले शिक्षा पे खर्च कीजिए, बहुजनों पढ़ेगा सभी लोग पढ़ेंगे। अगर शिक्षा बढ़िया हो जाएगा और बिहार तरक्की हो जाएगी तो ऐसा तो जहाज कितना किन आ जाएंगे। गुंगी वाली सरकार हमारी आवाज भी सुनेगी और जल्द सुनेगी। दलित का सरकार है, कहा दलित का सरकार, दलित का सुना नहीं जा, छात्रवृत्ति बंद कर दिया जा रहा है। दलित का सरकार नहीं, दलित के साथ शोषण हो रहा है, दलित के साथ शोषण हो रहा है, दलित का सरकार है नहीं। तेजस्वी जी तो बोलते हैं कि हम दलितों के नेता हैं, कहने के लिए है, लेकिन दलित जी कहते हैं दलितों के ऊपर कहने के लिए है, लेकिन दलित का नेता मंत्री है ना बिहार में, वो लोग क्यों नहीं बोल रहे सदन में? एक दिखावे के लिए तो दिखावा करते हैं, ठीक है ना। और भीम आर्मी और जमीनी स्तर पर हर गांव और विलेज में हर जगह पे जाती है और काम करती है, कहीं पे दलित समाज पे चाहे किसी भी समाज पे, और सरकार नहीं चलेगा, नहीं चले देंगे। अगर हम लोग बहुजनों को अत्याचार करेगा, शिक्षा से दूरी रखेगा और स्कॉलरशिप नहीं चलेगा, हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाए? अरे बने नहीं देंगे, कैसे बन जाएंगे? नहीं बनने दीजिएगा, देंगे कह देंगे। जब हम लोग अधिकार छीन लिया जाएगा, उपाध्यक्ष सरकार है, अगर मेरा बात नहीं सुनेगा, शिक्षा से दूर रखेगा, हॉस्पिटल से दूर रखेगा, तो हम लोग नहीं चलने देंगे। पढ़ दीजिएगा तो आवाज ना उठाइएगा सरकार के खिलाफ। उठाएंगे बाबा साहब तो ये कहेगा पढ़ो लिखो नाम नहीं पढ़िए, पढ़िएगा तो आवाज उठाइएगा सरकार के, क्यों नहीं पढ़ेंगे? बाबा साहब दिए हैं पढ़ने का अधिकार। छात्रवृत्ति बंद करने का मकसद, छात्रवृत्ति बंद करने का मकसद क्या है उनका? यही मकसद है कि किसी तरह के वंचित को दूर रखे, शिक्षा से दूर रखे, नहीं पढ़ेगा ना अधिकार मांगेगा, आज पढ़े लिखे तभी कह रहे पढ़ दीजिएगा अधिकार मांगिएगा। अरे भैया अधिकार क्यों ना पढ़ना का गुना है का, क्यों ना अधिकार मांगे अपना, हम का भीख मांग रहे हैं उनसे, अधिकार मांग रहे हैं। सरकार तो कह रही है हमारे पैसा है ही नहीं, कहाँ और चीज में पैसा खर्च करने के लिए है, और हमारे छात्रवृत्ति देने के लिए पैसा नहीं है, ऐसा दलितों का शोषण हो रहा है। हाँ शोषण हो रहा है, बहुत शोषण हो रहा है। कौन कर रहा है शोषण? बहुत फोरकास्ट सब, दलित का सरकार है, दलित का शोषण हो रहा है, बहुत शोषण हो रहा है, मत पूछिए। दलित का सरकार नहीं है, दलित का सरकार नहीं है,
तेजस्वी जी, नीतीश कुमार जी सब बोलते हम दलितों का, वंचितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का हम सरकार है, सिर्फ कहने के लिए है, कहने के लिए, हाँ बयानबाजी करने के लिए, बाकी दिखावा के लिए है, लेकिन दलित के साथ होता नहीं। एससी आयोग मांगे हैं और स्कॉलरशिप जो मांगे हैं, अगर ये सब मुद्दा को अगर नहीं उठाया जाएगा, अगर नहीं दिया जाएगा ना, तो सरकार रहने वाला नहीं है। हम लोग इसी तरह का भीम आर्मी के द्वारा, आजाद समाज पार्टी के द्वारा आज रैली किया जा रहा है, यही सरकार को सूचना दिया जा रहा है कि आप लोग संभर जाइए, अगर नहीं संभरिएगा तो आप लोग को चलने नहीं देंगे। बहुजन सब लोग जाग रहा है, शिक्षित हो गया है, बहुजन शिक्षित हो गया, हाँ शिक्षित हो गया है, इसीलिए चंद्रशेखर भाई जब आप कह रहे कि दलित जाग रहा है, दलित शिक्षित हो रहा है, तो वही तो कह रहे कि जब दलित शिक्षित हो गया छात्रवृत्ति बंद कर दो, शिक्षित हो जाएगा उसका देगा कौन सुविधा, समस्याओं का झेलना बहुत सुविधा कौन देगा, हॉस्पिटल बढ़िया कौन देगा, शिक्षित होना चाहिए ना, आज शिक्षित बढ़िया से देगा, शिक्षा तो दे रहा है लेकिन बढ़िया तरीका से नहीं दे रहा है। और स्कॉलरशिप से जानते हैं गरीब का कितना सुविधा मिलता है, और वो कॉपी कलम बेचारा जिसको स्थिति खराब होता है, वही स्कॉलरशिप से कॉपी कलम लाते हैं, पेन लाते हैं। छात्रवृत्ति बंद हो गया है तो आप दलित जो छात्र है वो कैसे डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, डीएम बनेगा? आज स्कॉलरशिप देंगे, सरकार देंगे, उसी स्कॉलरशिप के द्वारा आगे बढ़ेंगे। नीतीश सरकार का बहुत सरकार है, सोचना चाहिए और प्रोग्रेस करें समाज को, और यहाँ 50 नहीं 100% अरे चाहिए सरकार को, क्योंकि 100% क्योंकि यही एक बिहार ऐसा सरकार है जो बहुजनों का सरकार है। देखिए झारखंड में दिया गया ना, और दिया गया ना, उसी तरह बहुजन को यहाँ देना चाहिए 100% आ, तभी आगे ये बिहार बढ़ेगा आगे। यही बताइए, नारा लगा रहे आप लोग का छात्रवृत्ति बिहार सरकार बंद कर दिया, तो कैसे पढ़िएगा, कैसे उपाय करेंगे, अपने लड़ेंगे और इसको लड़िए सरकार से लड़ेंगे, सरकार तो तनाशा होगी, बड़ी लाठी मारेगा, तनाशा करेगा तो हम लोग मिलकर लड़ेंगे, सरकार से लड़िएगा अपने हक के लिए, सरकार से हम लड़ेंगे अपने हक के लिए, छात्रवृत्तियां बंद कर दिया उसी के लिए लड़ाई हो रहा है, ये बताइए बोलिए, छात्रवृत्तियां तो बंद हो गया, कैसे दलित का लड़का, दलित दलित कैसे डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, डीएम, एसपी बनेगा, क्या किस छात्रवृत्ति बंद कर दी है बिहार सरकार, जो छात्रवृत्ति आप लोग बंद कर दी बिहार सरकार। देखिए सबसे पहले आपको मीडिया के जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं सभी को जय भीम। देखिए आज जो हम लोग बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद यार है, जो हाई कोर्ट में ये दिखाया गया है कि एससी एसटी का स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया, तो आज हम लोग सभी एकजुट होकर के बताना चाहेंगे कि नीतीश बाबू आप अपने कुर्सी को संभाल के रखना है तो रखिए, नहीं तो 2020 में यही बहुजन 25 खत्म हो गया, सॉरी 2025 में बहुजन आपको दिखाने के काम करेगी। बहुजन आपको कुर्सी दिया है तो कुर्सी छीनने के भी 25 में खुद हट जाएंगे, तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, नहीं तेजस्वी यादव हो या मतलब नीतीश कुमार हो, कोई भी हो, अगर बहुजन के हित में काम करेगी तो ठीक है, नहीं तो अन्यथा 2025 में तेजस्वी या नीतीश दोनों के पता साफ रहेगा। छात्रवृत्तियां तो ले ली आप लोग, आप पढ़िए कैसे आप लोग, नहीं देखिए छात्रवृत्ति जो हम लोग का मतलब ले लिया गया उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं, सम्मेलन किए हुए हैं, अब उनको ये दिखाना है कि छात्रवृत्ति जिस वो लोग चाहते हैं कि मतलब कि किसी तरह दलित का बच्चा नहीं पढ़ लिख सके, इसीलिए दलित का सरकार है, दलित का बच्चा नहीं पढ़े कैसे सोचेगा सरकार, बहुजन की सरकार है, हम लोग तो मानते हैं कि बहुजन की सरकार है, लेकिन उसमें हम लोग का जो अधिकार दिया गया है उसको हम लोग के मतलब छीना जा रहा है, हम लोग उसी के वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं तेजस्वी यादव को और नीतीश कुमार के दिखाने। तो साफ तौर पर आप सुन सकते हैं यहाँ पर भीम आर्मी के जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद है, ये लोग आरोप लगा रहे सरकार पर कि सरकार हमारी छात्रवृत्ति अगर चालू नहीं करती है तो आने वाले 2025 का विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। तो साथियों आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें, धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज़।